कोतवाली परिसर में बृहस्पतिवार को नगर के गणमान्य व्यक्तियों के बीच मुहर्रम पर्व को लेकर एक शांति मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह, सीओ वंदना वर्मा, तहसीलदार यूसुफ अली और नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त मौजूद रहे। इस दौरान मीटिंग में वार्ता करते हुए ईदगाह कमेटी के सदर हसी खान ने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी नगर की सफाई व्यवस्था, बिजली के तारों को ऊंचा कराया जाए, साथ ही पानी की व्यवस्था ठीक की जाए, जगह जगह सड़कों के गड्ढों को भरवाया जाए और मुहर्रम के तजिया पंजाब सराय से होकर बासफोडान, मेन बाजार, कटोरा ताल, खालसा से होते हुए करबला मैदान में पहुंचकर मेहंदी का मिलाप किया जाएगा। इस दौरान एसपी अभय सिंह ने कहा कि काशीपुर कौमी एकता का खुलदस्ता है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक काशीपुर हमेशा रहा है, इसी प्रकार इस बार भी त्यौहार को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन आपके साथ है, व्यवस्था खराब करने वाले व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रही सफाई व्यवस्था की बात तो नगर निगम को अवगत करा दिया गया है, वह नगर की सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, वह भी तारों को ऊंचा करने के लिए तैयार हैं, ताकि ताजी उसमें बाधा न उत्पन्न करे। इसी के साथ ही मीटिंग का समापन कर दिया गया। व्यवस्था को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, व्यवस्था का यह है कि हमारे यहाँ कल जो है मेहंदी का मिलाप का प्रोग्राम है, वो कल शाम 6 बजे से बासपा चौकी से होते हुए पंजाबी सराय में एकत्र होकर के वहाँ मेहंदी का मिलाप होगा। एक हिस्सा पंजाबी सराय से मैं इकट्ठा होगा बासवान चौकी से, दूसरा हिस्सा खालसा मोहल्ले से होते हुए जाता हुआ वो बासवान जाकर इकट्ठा होकर उनका मेहंदी का मिलाप होगा, जो शाम 6 बजे से चालू होकर रात को 10 बजे तक फारिग हो जाएगा। 10 तारीख को जो है सभी लोग 6 बजे अपने अपने ताजिए लेकर के करबला मैदान जाएंगे, जो रात को शाम को 6 बजे चल करके 10 बजे तक फारिग किया जाएगा। को लेकर शांति व्यवस्था की बैठक की गई है। देखिए, प्रत्येक वर्ष की बात, इस वर्ष भी मुहर्रम के त्यौहार में जो ताजिए का जुलूस निकाला जाता है उसके संबंध में आज शांति कमेटी की मीटिंग की गई थी, जिसमें जो विभिन्न विभाग हमारे, वो चाहे PWD हो, हमारा नगर निगम, बिजली विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसकी बैठक रखी गई थी। उसमें जो भी इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, अन्य जो सम्मानित मेंबर हैं, उनके द्वारा इंतजामों के संबंध में हमें अवगत कराया गया। विगत वर्षों में क्या क्या व्यवस्थाएं रही हैं, हमारे पास त्यौहार रजिस्टर होता है, उसके हिसाब से हमने डिस्कशन करी और इस वर्ष जो ताजिए की हाइट, रूट और अन्य सुरक्षा इंतजामों को लेकर के व्यापक रूप से चर्चा की गई है। इंतजामिया कमेटी के लोगों ने भी कुछ समस्याओं से अवगत कराया, कुछ जगह पर नए निर्माण हुए, कुछ जगह पर बिजली बुरी हुई है, उन समस्याओं के संबंध में तो समय से हम उन इंतजामों को पूरा कर लेंगे और हम भी उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे वॉलंटियर्स नियुक्त करें, जिससे कि पीसफुली और अच्छे तरीके से हम इस त्यौहार के इंतजाम को करने में सफल हों।